नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं जो सीधा आपसे सरोकार रखता है। जी हां, इस कार्यक्रम में सरकार के कामकाज और बड़े मुद्दों की समीक्षा करते हैं जिसे सरकार ने आपके लिए शुरू किया है। सरकार का यह प्रयास आप तक पहुँचा या फिर नारेबाजी बनकर ही रह गया, इसे हम नहीं बल्कि आपको ही तय करना है। आज के एपिसोड में हमने महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाम महिला उत्पीड़न को शामिल किया है। आखिर क्यों महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं हमारी बेटियां सुरक्षित है, पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कब सुरक्षित होंगी बेटियां? कब रुकेंगे अस्मत पर हमले? कब तक होती रहेगी मासूमों से दरिंदगी? कठुआ और उन्नाव में हुई दरिंदगी के बाद एक बार फिर ये नामाकूल सवाल देश के सामने खड़े हैं। कानून बनते हैं, उन्हें और सख्त किया जाता है, बेहद सख्त किया जाता है, बेटियों की सुरक्षा की दुहाई दी जाती है, कस्में खाई जाती हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि महिलाओं मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत के मामले कम होने की बजाय बढ़ते जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर कहाँ कमी है? 16 दिसंबर 2012 की उस मनहूस रात को कौन भुला सकता है जब देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। दरिंदों ने निर्भया के साथ वो किया जिसकी कल्पना मात्र से रूह दहल उठे। तब पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। पूरे देश में निर्भया के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल लाइट मार्च निकाले गए। पूरा देश आंदोलन पर उतारू था। तब की यूपीए सरकार की चूले हिल गईं। लोगों के आक्रोश को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मौजूद कानून की समीक्षा हुई। वर्मा कमीशन को जिम्मेदारी दी गई। कमीशन की सिफारिश पर उनमें बदलाव किए गए, कानून सख्त किए गए, इस उम्मीद में कि कानून का खौफ हैवानों को हैवानियत से रोकेगा। लेकिन आज हकीकत कुछ और ही है। एनसीआरबी के मुताबिक देश में बलात्कार के 1.5 लाख मामले विचाराधीन हैं। दिल्ली में 2011 से 2016 के बीच बलात्कार के मामलों में करीब 277% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के मुताबिक देश में हर घंटे में 4 बलात्कार होते हैं। 2016 में देश में बलात्कार के मामलों में 82% की बढ़ोतरी हुई थी। बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश पहले, यूपी दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। आंकड़े साफ तौर पर इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि कानून को सख्त कर देने भर से महिलाओं और मासूमों पर जुल्म सितम कम नहीं होने वाले। इसके लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सख्त होना पड़ेगा, उन्हें अपनी जवाबदेही समझनी पड़ेगी। जब तक कानून लागू होने का खौफ अपराधियों के मन में नहीं बैठेगा, कानून चाहे जितना भी सख्त कर लें, मामले कम नहीं होंगे। कमलावती जी, आप बीजेपी के महिला मोर्चा के महासचिव हैं। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर देश में काफी घटनाएं घटी है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार पर भी आरोप लगते रहे हैं। क्या आप लोग महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं कि बस ऐसे ही है? देखिए, ऐसा है कि मेरी सरकार जब से बनी है 2014 से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत ढेर सारी योजनाओं को लेते हुए, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, इस तरह की चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बहुत ढेर सारी योजनाएं दी हैं। और आज जो हमारे समाज में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो या मेडिकल साइंस हो, और इस तरह आगे हमारी बहनें कदम से कदम बढ़ा के चल रही हैं और वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कलाल जी, देखा गया कि देश में अभी तक 2017 तक में 1.5 लाख से ऊपर सिर्फ बलात्कार के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, और एक समय में निर्भया केस को लेकर मामले को लेकर कड़े कानून बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सरकार आपकी है तो जवाबदेही आपकी बनती है। देखिए, सरकार हमारी है और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो थिंकिंग है आज समाज में महिलाओं को लेके, विपक्ष के लोग उनको परास्त करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए हमारी सरकार के लिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। जैसा कि आपको बताएं कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इतने रेप हुए, इतने हुए, ये उनकी षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के साथ साथ अभी
जो हमारे अभी एक चुनावी भाषण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कठुआ में और उन्नाव में जो ये घटना घटी उसके लिए उन्होंने पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार बोला कि चाहे मेरी विधायक हो सांसद हो या जो भी मुलजिम होगा वो कटघरे के अंदर होगा और उसको सजा मिलेगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, बेटी बचाने के लिए कानून में सुधार तो होना चाहिए, साथ साथ जो फांसी की सजा की प्रवाह किया जाना चाहिए। क्या ये जो प्रस्ताव है उचित है या फिर कानून जो बने हुए हैं वही काफी है? देखिए, प्रस्ताव तो बहुत सारे आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं और जो घटनाएं घट रही हैं उसमें फास्ट ट्रैक जो हमारा कोर्ट है जी, वो प्राथमिकता देके हमारी सरकारें और वो कानून के जो सलाहकार हैं वो उचित कार्रवाई और हो रहा है और उसमें न्याय मिल रहा है और ऐसा नहीं है। और ये राजनीति के तक षड्यंत्र है और षड्यंत्र में आप जानते हैं कि जब जो हमारी पार्टी होती है उसमें विरोधी लगे होते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ विरोधी पार्टियों पर ही निशाना साध रही हैं, हालांकि उनका भी कहना है कि सरकार तो आपकी है, आपको किसने रोका है, आप फांसी दे दो, हम सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप इस तरह कानून क्यों नहीं बना रही है? नहीं, हम ऐसे कैसे कर लें कि बगैर कोई सबूत के हम कभी किसी को कैसे फांसी दे दें? इसलिए हमारी पार्टी हमेशा पहले उसको तथ्यों को जांच करती है, जांच के बाद जो निकल के निर्णय आता है उसके हिसाब से उनको सजा के वो काबिल है तो उनको सजा मिलेगी। और कानून कानून होता है और सजा उसके हिसाब से अगर आती तो सजा का अंजाम उनको मिलेगा। और मिलने के साथ ही साथ आज हमारे समाज में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, चाहे वो गरीब की लड़की हो, अमीर की लड़की हो, हिंदू मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोगों को आज इस भागों में बांट के हम लोगों को अलग करने की साजिश हो रही, महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल, सबूत की आपने बात कही है तो ये बात सही के स्वरूप सबूत के आधार पर ही किसी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि दो कांड जो हुए हैं उसमें राजनीतिकरण तो हो रही है, अभियुक्तों को बचाने के लिए रैलियां निकाली जाती है आपके पार्टी के द्वारा भी, कठुआ हो, उन्नाव हो, सभी जगह इस तरह की है। देखिए, कश्मीर की बात मैं कहूँ तो कश्मीर में भी हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी मेरी सरकार है और ये राजनीति के तहत ही षड्यंत्र है, इसको मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ और इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है, छानबीन हो रही है, सीबीआई की जांच की मांग हुई है, उसमें हमारे लोग लगे हुए हैं, दोनों पक्षों से बातचीत जारी है और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसका अंजाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक दो सवाल और। बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा आपने दिया है, कार्यक्रम भी आपने दिया है, आप लोगों ने, आपकी सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सिर्फ नारेबाजी रह गया है या फिर काम भी हो रहा है इस पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बहनें काम कर रही हैं। इसके लिए हम आपको समाज में बताएं कि हमारे निम्न तबके की जो बहनें हैं और जो मलिन बस्तियों में हमारी बहनें हैं, इन पे हम लोग प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से उनको हम लोग बेरोजगार देने के लिए, बेरोजगार बहनें हैं उनको प्रशिक्षण देके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम बहुत ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से उन बहनों को जोड़ते हैं और वो पार्ट टाइम में अपना थोड़ा अपनी अर्जन भी करती हैं, जिससे वो पैसा ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगी कैसे। और इस तरह से तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस कार्य में लगी हुई हैं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हम उन बहनों को जागृत कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए कामयाब हो रहे हैं। बेटी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, ये बात प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है, लेकिन तथ्य क्या वही है जो आप कह रही हैं? तथ्य तो कह रहा है कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है, कार्रवाई जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तथ्यों को खत्म कर दिया जाता है, राजनीति उस पर होती ही रहती है, चाहे आप करें या कांग्रेस करे या दूसरा पार्टी भी करे। देखिए, राजनीति तो ये सदियों से चली आ रही है और जब जो भी सत्ता में विपक्षी होता है वो प्रत्यारोप लगाता रहता है, इसलिए हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और हमारी पार्टी में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और ये इसको हम आपके सामने राजनीति षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे और हमारी पार्टी एकदम उच्च स्तर पे काम कर रही है और इस समय एक नंबर की पार्टी है। आपने देखा सरकार का पक्ष और उनका दावा, अब देखते हैं इस पर विपक्ष का कहना क्या है। सुष्मिता जी, विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि महिलाओं पर उत्पीड़न, खासकर बलात्कार के मामले बढ़े हैं, ऐसा क्या आ गया इस देश में जो महिलाओं अब सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रही है? देखिए, जो महिला पे अत्याचार जो क्राइम बढ़ रहे हैं, रिसेंटली जो एनसीआरबी का भी डेटा आया है
इसके दो पहलू हैं। कुछ कहते हैं कि थाने में अभी रिपोर्टिंग बढ़ गई है, इसलिए हमको ज्यादा आंकड़े हम देख रहे हैं, और एक पहलू ये है कि सामाजिक समस्या है जिसकी वजह से इस तरह के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। इसमें दो मुद्दे हैं कि आप कानून में तो परिवर्तन ला सकते हैं, निर्भया के बाद भी कानून में बहुत परिवर्तन आया, पर परिवर्तन अगर बिल्कुल घर घर में लाना है तो शिक्षा से शुरू होता है। इसलिए हम कितना भी कानून बदले, कुछ भी करें, मैं समझती हूं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल्स में या एजुकेशन सिस्टम में हम उनको जेंडर सेंसिटिव नहीं बना पा रहे हैं। आपकी सरकार 2011 में निर्भया कांड जब हुआ था तो वर्मा कमीशन बनाया गया था, जिसके बाद एंटी रेप लॉ बनाए गए, सीआरपीसी आईपीसी में काफी बदलाव हुए, लेकिन उसके बाद अभी 4-5 सालों में देखें तो आंकड़े बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। इसका मूल रूप देखा जा सकता है कि या तो कानून का पूरी तरह से पालन नहीं होता है, या इसको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर सरकार या राजनीतिक पार्टी भी दोषी है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वो राज्य सरकार के जुरिस्डिक्शन में होता है, और जैसे हमने उनाव वाले केस में देखा कि एक लड़की का बलात्कार होता है, अगर मैं ये कहूं कि बलात्कार क्यों हुआ, पुलिस कहां थी, तो पुलिस कहेगी कि हमारी जो मात्रा है वो कम है, पर मैं ये कहती हूं कि ऐसा होने के बाद अगर एक लड़की हिम्मत करके थाने जाती है और उसका एफआईआर दर्ज ना हो, जो निर्भया के बाद ये भी कानून बना कि कुछ घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, तो मैं ये कहूंगी कि जो लोग सरकार चला रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था का जिनके ऊपर दायित्व है उनका भी दोष है। और एक जनप्रतिनिधि जो होता है, मैं ये नहीं कहती कि वो अपने क्षेत्र के हर गली में नजर रखे या हर सड़क पर नजर रखे, पर वो उसकी चिंताधारा क्या है और ऐसे मामलों में वो क्या बयान देते हैं, वो किस क्या सोच रखते हैं, वो भी माने रखता है। अगर उनाव के केस में जहां पर एक किसी दल के विधायक का नाम जोड़ा जा रहा है, अगर तुरंत वो पार्टी उस पर एक्शन लेती है तो एक मैसेज जाता है कि हमको ये कबूल नहीं है, पर ये नहीं हो रहा है इस देश में। इस देश में आप देखेंगे कि महिला के ऊपर जब भी कोई जुर्म होता है उसको हम कैजुअली लेते हैं। किसी की भी सरकार हो, कोई भी हो, पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो, कानून तो आपकी सरकार में बनाया गया था, नो डाउट उसको फॉलो भी होना चाहिए था, निर्भया फंड बनाया गया था, लेकिन उसको खर्च नहीं किया गया। अब इस सरकार ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो लग रहा है कि बेटी को बचा लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला है। मोदी जी ने 2014 चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कई जुमले तैयार किए, अच्छे दिन, मेक इट इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अब न्यू इंडिया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी ऐसा एक जुमला है। अगर कोई प्रधानमंत्री सोचते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से या किसी स्लोगन के माध्यम से हम देश को चला सकते हैं, ये नामुमकिन है। ये पिछले 3-3.5 साल में साबित हो गया है। मोदी सरकार की तरह हम देखें, 8 मार्च को नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के एक गांव में गए जहां सेक्स रेशियो का रिकॉर्ड अच्छा था, और वहां से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जिलों में लागू करने की उन्होंने घोषणा करी। पर प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन करनी चाहिए कि सिर्फ फोटो ऑप में आज राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, मैं कल मध्य प्रदेश जाऊंगा क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, देश की जनता, इस भारत की देश की जनता बहुत होशियार है। बेटी उत्पीड़न को देखा जाए तो उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एनसीबी आरबी जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लगभग 1.5 लाख केस जो मामले हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं बलात्कार के, सिर्फ बलात्कार के, उत्पीड़न के नहीं। तो लग रहा है कि लोगों में डर नहीं है, इसलिए और कड़े कानून बनाने की जरूरत है, फांसी तक की बात होनी चाहिए। जी, निर्भया केस के बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक प्रपोजल था जी। पर
मैं हरियाणा में जब बड़े सारे रेप हुए कुरुक्षेत्र में की एक लड़की के साथ हुआ, मैं वहां गवर्नर से मिली और मैंने उनसे पूछा कि जब कांग्रेस की सरकार थी हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का काम शुरू कर दिया था, पर खट्टर सरकार आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। तो अगर मैं फिर उसी को कह रही हूं कि आप फांसी की सजा दे, कोई भी सजा दे, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम महिला के लिए काम नहीं करेगी और उसमें रिजल्ट नहीं दिखाएगी तो कोई फायदा नहीं है। आपकी सरकार में भी देखा गया था कि रेशियो इससे थोड़ा सा कम था, हालांकि कानून बनाए गए लेकिन जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हो पाया था। लेकिन इस सरकार में, खासकर मोदी जी की सरकार में, आप महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उसके हिसाब से आप क्या देख रहे हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अब तो विदेश से भी जो मैसेज आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, हम पे उंगलियां उठाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया आज तक, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही कहते रहे पहले 3 साल। हम 3 साल से महिला आरक्षण बिल को लाने की बात कर रहे हैं मोदी जी से कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल आप सदन में लाइए, आपके पास बहुमत है। आप ट्रिपल तलाक बिल लेके आए हैं, कह रहे हैं मुसलमान महिलाओं के प्रति हमारी सहानुभूति, हम ट्रिपल तलाक बिल ला रहे हैं। उसमें आपने ऐसा कानून बनाया है कि आपका शौहर आपके पास वापस नहीं आएगा क्योंकि वो पहले जेल जाएगा, और आपको क्या मेंटेन करेगा जो जब शौहर जेल में होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए ताकि शौहर और पत्नी को वापस आने का मौका मिले, और आप पति को जेल में डालने का कानून ला रहे हैं। अगर आप हर चीज को देखेंगे मोदी सरकार का, उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए बहुत कानून लाए हैं पर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो महिला सशक्तिकरण की का काम करती है। आप कह रहे हैं 2 करोड़ महिलाओं को मैंने सम्मान दिया, मैंने उज्ज्वला गैस दिया। महिला का अगर प्रधानमंत्री सोचता है कि महिला की जगह रसोई, तो इस देश में महिला सशक्तिकरण का क्या होगा? राजीव जी कहते हैं महिला को सरपंच बनाओ, महिला को कॉरपोरेटर बनाओ। राहुल जी, सोनिया जी कहते हैं कि महिला को विधायक बनाओ, सांसद बनाओ। आप कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर से आपने महिला का सम्मान जोड़ दिया, क्लीन एनर्जी होना चाहिए, ये आरएसएस की सोच है। बिल्कुल, यही सवाल उठता है कि उनके तरफ से जो बातें कही गई है, हालांकि कार्रवाई की बात हुई है, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन देश वो चीज नहीं देख पा रहा है जो देखना चाह रहा है। महिला सशक्तिकरण, बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो मानसिकता घिनौनी हो गई है, वो काफी बढ़ गई है। आपने यूपी में, मैं यूपी का मिसाल इसलिए दे रही हूं, यूपी में जब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी व्यवस्था को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, अब क्या हुआ? वो क्या कहते हैं एंटी रोमियो ब्रिगेड पहला काम किया मुख्यमंत्री ने वहां का, उसके बाद एनकाउंटर पे एनकाउंटर। अभी देखने में आ रहा है कि विधायक रेप कर रहा, 8 महीने कोई FIR नहीं। आप कह रहे हो 164 स्टेटमेंट में कुछ था नहीं, CBI के आते ही FIR हो गया। तो ये सब चीजें हैं। देखिए, अगर देश में परिवर्तन लाना है, अगर कोई भी पार्टी हो, अगर देश में परिवर्तन लाना है तो जो आप कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो देश जहां है वहीं रहेगा। ये प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है। और जनता को आप एक बार ही बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार ही नहीं बना सकते। आपने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जज यानी आम लोगों की राय क्या है उसे भी देखिए। क्या देश में बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा? आप, हम, राजनीतिक पार्टियां और प्रशासन एक दूसरे पर रस्साकसी करते रहेंगे? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में कठुआ गैंगरेप और उन्नाव रेप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और तमाम मुंबईकर्स हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तय आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार इन सब को लेकर दोषी आप किसे मानती हैं? तुझे आजकल लड़कियां मतलब सुरक्षित नहीं है, और रात के 12 बज गए, और आज मतलब लेडीज को इतना प्रोटेक्शन भी मिला है और लेडीज सक्षम भी हो चुकी है, तभी वो सुरक्षित नहीं है, तभी हम लोग सुरक्षा महसूस नहीं करते। और देखने वाले की नजर
या बुरी है या लड़की लोग के ऊपर मतलब देखने की नजर बुरी है, वही मतलब समझ में नहीं आता। अच्छा आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बेटियों पर जुल्म बढ़ गया है? हाँ, बढ़ गया है। रात को अकेले बाहर जाने में भी डर लगता है, साथ में कोई ना कोई रहना चाहिए कि ऐसा लगे कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा आपसे जानना चाहेंगे, कानून तो बहुत सख्त बन गया है निर्भया रेप के बाद, क्या आपको लगता है कि ये कानून में मौत की सजा होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए, लोग जो करते हैं उनको तो सजा मिलना ही चाहिए ना। उनको फांसी होना चाहिए, इतना अभी ये लड़के लोग के साथ ऐसा होता है ना, उनको फांसी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो हमारी जो समाज है वो असंवेदनशील हो गई है, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं वो असंवेदनशील हो गए हैं क्योंकि भावनाएं उन्हें नहीं समझ में आती? भावनाओं की मतलब भावना तो है ही, मगर ये उन्नाव में जो हुआ है ना वो बहुत पहले हो चुका है और पब्लिक में बहुत लेट आ रहा है, और इतना बुरी तरह से मतलब मंदिर में किया गया है लगता है ऐसा कुछ। हाँ हाँ ऐसा कुछ है, और वो लड़की की हालत देखेंगे तो माँ बाप भी मतलब क्या, मतलब भगवान भी किधर था उस टाइम। क्या देश में बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा? क्या हम, आप, सरकार और राजनीतिक दल एक दूसरे पर रस्सा कसी करते रहेंगे और बेटियां लूटती रहेंगी? आखिर क्यों हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? आइए बात करते हैं महिलाओं से, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर। आखिर बेटियों पर क्यों जुल्म बढ़ गए हैं? सर मुझे लगता है कि बेटियों पर जुल्म बढ़ने का कारण एक सोशल मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें परोसी जा रही हैं, और फिर ऊपर से सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा मीन्स मुझे ये लगता है कि घर में, परिवार में जो है बेटे और बेटी को बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। ऐसा नहीं रखा जाता कि हाँ ये हमारी बेटी है, नहीं इसको बाहर नहीं जाना, इसको एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग बांध दिया जाता है हर चीज में, आपको ये नहीं करना क्योंकि आप बेटी हो, आपको ये नहीं करना आप बेटी हो। मुझे ये रीजन सबसे ज्यादा लगता है कि हाँ ये वजह हो सकती है। जो भेदभाव हो रहा है उस चीज को हम दोषी मान सकते हैं, क्योंकि जो हमें जो परवरिश वो देनी चाहिए थी ना, हर चीज वो सिखानी चाहिए थी, और हम बाहर चले जाते हैं, हमें नहीं पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, और तब वो चीज हमें फेस करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं वो घर से ही हमें हर चीज सिखानी चाहिए, जैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गलत है वो, सही है बंदा, ये ऐसे वैसे। क्या मौत की सजा का प्रावधान कर देने से बेटियों पर अत्याचार कम हो सकता है, बलात्कार की घटनाएं रुक सकती हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मौत की सजा तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जबकि हमारे देश में कड़े कानूनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम अपने देश में कड़े कानून बनाएंगे और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा तो शायद ये जो घटनाएं हैं ये रुक सकती हैं। सर ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे सब लोग संवेदन ही लोग हैं, अगर यहाँ कड़े कानून हो, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए सर, एक बार किसी को भी इस तरीके की सजा मिल गई फिर कोई भी दोबारा ये कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगा, लड़कियां सेफ होंगी। सर सबसे पहले मुझे यही लगता है कि जो जैसे अब घर वाले हैं उनको अपने बच्चों को सिखाना, बेटे को सिखाना चाहिए स्पेशली, क्योंकि एक जब एक घर परिवार में संस्कार दिए जा रहे होते हैं, एक लड़के को अगर हम आप बताते हो कि हाँ आपको रिस्पेक्ट करनी है वुमेन्स की, तभी जाके वो आगे जब समाज में जाता है और दूसरी बहन बेटियों को देखेगा तभी वो जो है उसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर पाएगा, जब वो खुद के ही घर में रिस्पेक्ट नहीं देखेगा तो वो दूसरों की क्या रिस्पेक्ट कर पाएगा। मैं हमारे समाज को दोषी मानती हूँ, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं कि उन्हें क्या करना है। हम लड़कों को कहते हैं कोई नहीं बहन है, बहन खाना बनाएगी, बहन सारे काम करेगी, बहन घर में रहेगी, अगर यही वो भाई देखेगा तो वही आगे जाके समाज में एक नागरिक बनके वही गलत काम करेगा, तो हमें बच्चों को शिक्षा देने की बहुत सही जरूरत है, और हमारे समाज में कड़े लॉज होने चाहिए, डेथ पेनल्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी दो तीन को अगर ऐसा होगा तभी लोगों को लगेगा कि ये डर वाली बात आ गई है। आपको लगता है कि मौत की सजा का प्रावधान कर देने से बलात्कारियों को कहीं ना कहीं खौफ पैदा होगा? इसके बारे में मैं बस एक ही टिप्पणी बोलूंगी कि जब छोटी बच्चियों के साथ रेप होता था तो लोगों में ये होता था कि बच्ची को मारना नहीं है क्योंकि हमें 7-8 साल की सजा होगी, लेकिन अब ये हो गया उनको फांसी मिलने वाली है तो उससे बचने के लिए और अपने जो उन्होंने जो काम किया उसको दबाने के लिए लड़कियों को और ज्यादा मारने की भी कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि अब अगर हम उनको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे ना तो हमारे खिलाफ सबूत नहीं मिल पाएंगे। कानून का कड़ा होना एक महत्वपूर्ण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्यादा ये है कि उसको कितनी जल्दी मिले न्याय, जल्दी मिलना एक बहुत कड़े कानून से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत देर तक मिला जो हमें कानून की मिलता है, हमें जो उस टाइम पे चाहिए होता है वो फिर उस टाइम नहीं मिलता, कानून को टाइम से मिलना, हमें जो मिली है न्याय मिलेगा वो वक्त से मिलना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोषी है हमारी सोच, दोषी है कमजोर कानून, क्योंकि रेप के लिए कोई ऐसा कानून ही नहीं है, कोई मजबूत कानून नहीं है,
रोज आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसको रोकने के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है। उसके अलावा आती है हमारी सोच, हम लड़कियों को तो समझाते हैं, लड़कियों को सारी चीजें लड़कियों को समझाई जाती हैं, लेकिन हम कभी लड़कों को नहीं समझाते कि लड़कियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उनको उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। आज जहाँ तुम किसी और की बहन को छेड़ रहे हो कि शायद कोई और लड़का भी तुम्हारी बहन को छेड़ रहा होगा, तो मौत की सजा कानून होनी चाहिए। बेटा मौत की सजा तो होना ही चाहिए, क्योंकि कल एक दिव्यांग लड़की जिसके पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया, जब मालूम है उसने किया, उसको इमीडिएट 6 घंटे के अंदर क्या 3 घंटे के अंदर फांसी होना ही मांगता है। मैम क्यों नहीं राजनीतिक दल, सरकार और समाज संवेदनशील हो रही है? संवेदनशील तो तब होगी ना, उनकी संवेदनाएं मर गई हैं। आप ये बताइए कि अगर किसी लड़की का रेप होता है या उसको जो भी भुगतना पड़ता है, ये सिर्फ अकेली उस औरत को भुगतना पड़ता है या उस बच्चे को भुगतना पड़ता है, उसके भाई, उसके बाप, उसके पूरे बाप, उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है? उसके कानून तो सभी, एक कानून होना ही चाहिए जो इस चीजों को रोके। अभी समझाने और समझने के लिए बहुत देर हो गई है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, अपने बेटों को समझाएं, इसके लिए बहुत देर हो गई है। अब जरूरत है, कानून बनना ही चाहिए, किसी भी लड़के का रेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो 6 महीने की हो चाहे 16 साल की हो, फांसी की सजा हम मांगते हैं। राजनीतिक दल को राजनीति करनी है, मगर आप याद रखिए कि जब तक आप अन्याय सहते रहेंगे तब तक हमारी बेटियों पर जुल्म होता रहेगा। इसलिए आप गुस्सा करें, आक्रोश करें और इसका पुरजोर विरोध करें। सवाल यह नहीं है कि दोषियों को फांसी मिले या कैद, सवाल यह है कि जो भी मिले जल्दी मिले, तभी जाकर हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी और हम भी राहत की सांस लेंगे। चलिए अगले सप्ताह हम फिर एक बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने मौजूद होंगे, तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।